आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग दर्शन किए बगैर ही लौटे। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूंदी पहुंचे, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बिना दर्शन किए पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक तक रोड शो करते हुए भाजपा द्वारा बनाए गए रथ से ही संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा में आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बीमारू प्रदेश था, भाजपा की सरकार में विकास हुए, इसलिए बीजेपी को वोट देना सही है। कांग्रेस को वोट देना मतलब बीमारू सरकार बनाना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने कहा, भ्रष्टाचार का मालिक ही देश में कांग्रेस है। जितना भी घोटाला हुआ कांग्रेस के समय में हुआ, मतदाताओं को लुभावने वादे कर फिर से रेवड़ी बांटने का काम भाजपा कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं में रेवड़ी बांटना नहीं, देश में गरीबों को मदद करना धर्म है। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं, भाजपा का सरकार बनना सही है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना सही है। कांग्रेस एक बार देश में आ जाएगी तो देश को बर्बाद कर देगी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आएगा, हमें खाली मध्य प्रदेश का जनता से आशीर्वाद लेने ही आया हूँ। बाकी सरकार तो बनाना का काम आपका ही है, बीजेपी का सरकार बनाना है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? ये तो आप तो सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का शासन काल में एक बीमारू प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश में है और आगे भी भाजपा लेके जाएगा। तो बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब फिर बीमारू बनना। जो ये कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है, सरकार के राज में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरा भ्रष्टाचार तो मालिक ही देश में कांग्रेस है। देश में जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस का समय में ही हुआ था। कांग्रेस आरोप लगा रही कि लाडली बहना योजना सही योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? कैसे भ्रष्टाचार हुआ है? सबको मिल जाएगा, आपको भी चाहिए, आपका भी है, भाभी को चाहिए, वो भी मिल जाएगा। रेवड़ी बांटकर भाजपा सरकार फिर आना चाहती है, क्या सही है? देखिए, ये रेवड़ी नहीं है, ये तो असम में भी चलता है। भाजपा का प्रदेश में गरीबों को मदद करना ये धर्म है। हिंदू राष्ट्र का परिवार है, हिंदू नेता की छवि है, तो आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि भाजपा का सरकार बनना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कांग्रेस एक बार देश में आ जाएगा तो देश को बर्बाद कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप मैंने हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हैं? देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, मैं बोलने और ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? धन्यवाद।